हाय गाइस, हम आज एकदम सिंपल तरीके से चक्रा रेख बनाना सीखेंगे, यानी कि व्हील डायग्राम। तो किसी भी माप का पहले हमने ऐसे करके ये हम चक्र, चूँकि पहले से बना हुआ है तो ऐसे ही करके एक किसी भी माप का हम एक वृत्त बना लेंगे, और उसके बाद से टिक करने के बाद से हम पर का ये जो चांदा है, चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री नॉर्थ पहले सेट कर लेंगे 90 डिग्री का, फिर ये हमारा इधर 180 डिग्री, फिर ये हमारा ये। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हम 90 डिग्री से का जो जहाँ पे जाके मिल रहा था, तो पहले हम एक अर्धवृत्त वहाँ पे त्रिज्या एक ले लेंगे, त्रिज्या ऐसे ले लिया। उसके बाद से हमको करना क्या है कि जो भी आंकड़ा दिया रहता है, जिसके पास जो भी आंकड़ा रहता है उपलब्ध, उसके हिसाब से हम जो अंश दिया रहता है, डिग्री दी रहती है, उसको हम इस प्रकार चांदी की सहायता से इसमें अब हम लोग उसको नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की इस पे हम जीरो देख करके जो टिक था पहले, टिक के सामने हमने इस टिक को रखा, जो बीच वाला जो केंद्र बिंदु था उसको हमने इस पे चांदे का केंद्र बिंदु से हमने वहाँ पे रख दिया, और इसको देखेंगे ऐसे। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, आप देख पा रहे हैं कि हमारा 80 अंश है, 59 अंश है, 35 अंश है, 18 डिग्री है, और ये 168 अंश है। तो ये टोटल कुल मिला जुला के जो हमारा वृत्त का जो होता है 307 डिग्री का होता है हमारा एक वृत्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे 168 सबसे ज़्यादा है, तो हम 168 अंश यहाँ से लेंगे इसकी दूरी। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, और एक चूँकि 168 दिया है तो हम 8 खाने और आगे बढ़ा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये हमारा 8 खाने, 8 खाने के सामने हम यहाँ पे एक हल्का सा बिंदु लगा लेंगे, ये हमारा 168 डिग्री को बता रहा है। तो फिर हम स्केल की सहायता से हम जो केंद्र बिंदु है उसको और ये जो परिधि पे जो बिंदु है आया है इस पे हम लाके इसको मिला लेंगे, ये हमारा कितना का हो गया था 168 डिग्री का। फिर आगे हमको करना क्या है, उससे छोटी में जो अंश दिया है उससे छोटा अंश है 80 डिग्री, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 80 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर जो 168 जहाँ तक हम पहुँचे थे 168 डिग्री तक, उसको हम अब फिर उसके सामने और ये इस प्रकार चांदे के जो कट है, कट बिंदु है, उसको अपने जो वृत्त का जो बनाए हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वहीं पे इसको मिलाएंगे, और इस लाइन के सीध में हम देखेंगे, और फिर यहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 80 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 के सामने हम फिर ला करके अपना एक बिंदु लगा लेंगे, और बिंदु लगाने के बाद से फिर वही हम प्रकार स्केल की सहायता से इसको हम वृत्त के केंद्र बिंदु से इसको हम मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच देंगे। तो इसको खींचने के बाद से फिर इसके छोटा, इससे छोटा ये 80 अंश का हो गया, इससे छोटा हमारा एक डिग्री है 59 डिग्री का। तो फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, ये जो प्रकार चांदे का जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पे हम रखेंगे इसको, और ऐसे रखने के बाद से ये जो काला ब्लैक में जो ये लाइन है इस वाले लाइन पे होनी चाहिए। फिर हम यहाँ से 0 डिग्री से काउंटिंग करेंगे, तो 10, 20, 30, ये 40, ये 50, चूँकि हमको लेना कितना है 59 डिग्री, तो 50 के बाद से ये आपका 55 हो गया, फिर 56, 57, 58, 59, यानी कि 60 से 1 mm कम। तो यहाँ पे इसके सामने हम यहाँ पे एक टिक लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, और इस बिंदु को हम केंद्र से मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे, एकदम आसानी से इसको बना मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे कि उससे छोटा 59 डिग्री से छोटा हमारा 35 डिग्री का है, तो फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, इस चाप का ए प्रकार का ये जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, हम इस त्रिज्या जो गोला हम बनाए हैं, ये जो वृत्त बनाए हैं, इसके गोले से हम इस पे मिला रख देंगे, और ये जो लाइन गया है काला वाला, इस काले वाली लाइन पे आनी चाहिए, तो इसको हम ऐसे रख देंगे। रखने के बाद से हम फिर यहाँ से हम इसकी काउंटिंग करेंगे, चूँकि हमको लाना कितना है 35 डिग्री, तो 10, 20, 30, फिर ये हमारा 5 का ये है खाना, तो हम इसके सामने जस्ट हम एक टिक लगा देंगे। उसके बाद से 35 के बाद से हमारा बचता है 18 डिग्री,
तो हम 18 डिग्री को फिर यहाँ रख करके देख लेंगे कि ये हमारा 18 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो हमको लग रहा है कि पहले इसको मिला दे रहे हैं, 35 डिग्री वाले को केंद्र बिंदु से हम मिला दे रहे हैं, तो केंद्र बिंदु से ये मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा 18 डिग्री बचा कि नहीं, चूँकि 18 डिग्री हमारा लास्ट है। तो इसको हम देख लेंगे, केंद्र बिंदु से इसको मिला देंगे, फिर हम ब्लैक वाले पे इसको दिखा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि लगभग 18 डिग्री हमारा ये बच रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये चक्र आरेख एकदम सही है। तो फिर आगे करना क्या है, एक और डिग्री दी हुई है कि 108 डिग्री, चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि एक बार से अधिक बोई गई दो फसली भूमि, तो उसका हमको दिया है कि उसकी जो वृत्तांश है 108 डिग्री दिखा रहा है। तो उसको हम करेंगे क्या कि हम फिर यहाँ से जीरो से रखेंगे लास्ट वाले को, फिर केंद्र बिंदु पे इस केंद्र को रखेंगे और जीरो से हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो हम यहाँ पे 100 110, तो 110 से कम चूँकि 108 हमको लेना है, तो 1 2 यह इसके सामने से एक हम हल्का सा बिंदु लगा लेंगे और त्रिज्या प्रकार की सहायता से हल्की सी कम करके, थोड़ी सी 2 या 3 4 या 5 mm की दूरी को कम करके हम यहाँ पे लाएंगे और जस्ट इसके सामने हम ला करके रख देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम मिला करके इसको अलग डिवाइडेशन कर देंगे। ये हम इसको हम ब्लैक में रखेंगे, बाकी वाले को जिस भी साइड में चाहे हम इसको कलर कर देंगे। इसको हमने इस पूरे जो क्षेत्र है 168 डिग्री का जो क्षेत्र है इसको हम अलग तरीके से कलर कर लेंगे, बाकी वाला जो ये जो क्षेत्र है इसको हम अलग तरीके से शेडिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको हम अलग तरीके से शेडिंग कर लेंगे, जैसे भी शेड करें इसको अलग तरीके से हम शेडिंग कर लेंगे, इसको अलग तरीके से शेड कर लेंगे, इसको अलग तरीके से सेट कर लेंगे, फिर इसको भी हम अलग तरीके से शेडिंग कर लेंगे। तो ये जो शेडिंग है ये हमारा, इसको पूरा शेडिंग करने के बाद से हम इसको एक संकेत के माध्यम से दिखाएंगे कि ये हमारा वृत्त। तो हम एक संकेत के लिए एक ऐसा खींचेंगे और फिर हल्की सी अधिवृत्त बना करके इसको बना देंगे। अब हमने इसको पूरा ब्लैक शेड किया है तो इसको अलग शेडिंग कर देंगे। अब इसमें हम लोग लिखना क्या है कि ये कौन सा शेडिंग है, तो ये शुद्ध बोई गई क्षेत्र है, शुद्ध बोई गई भूमि है, ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे अलग हम दूसरा जो शेड बनाए हैं उसको अलग ऐसे शेडिंग कर लेंगे। हाँ, इसका लिख देंगे क्या, ये क्या है 80 डिग्री वाला, वन आच्छादित भूमि है। इसी तरीके से हम सबका एक संकेत बना लेंगे और सबको दिखा देंगे, बाकी वाले को एक को हम खाली बना देंगे। ये हमारा क्या दिखाया गया, एक बार से अधिक बोई गई भूमि है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा चक्र आरेख बन करके तैयार हो गया। ये हमारा चक्र आरेख पूरे बन करके तैयार हो गया आसान तरीके से। इसको ये हम दो ही बना के शॉर्ट में दिखा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा पूरा चक्र आरेख बन करके कम्प्लीट हो गया।